सनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, हमारे अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा उसे आप मिटाइए अपनी कथा सुना करके ठाकुर की वार्ता सुना करके इस अज्ञान को मिटाइए। मुस्कुरा दिए श्री सूत जी, वाह अद्भुत प्रश्न किया। ये संसार का नाम है संस्कृति इति संसारहा, जो प्रतिदिन खिसकता ही चला जा रहा इसी का नाम तो संसार है। हाजी या ना जी, आज निकल गया है, अब ये लौट के आने वाला नहीं है। अब तो कल आएगा तो कल देखा जाएगा। और कल देखा किसने, पता नहीं कल मिले या ना मिले। कई लोग कहते महाराज बुढ़ापे में सुन ले भी कथा, बेकार जवान है खेलने खाने में, आगे के लगे साइकिल पे कट है बुढ़ापे लो जिंदा रहे, पहले टबक गो फिर इसे। भैया भाई सुन लो, जब जागो तभी सवेरा। कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि आप इतने साल जिएंगे, नो। कथा ही एक ऐसा सार है जो आपके मन के अंदर के अज्ञान को मिटा सकती है, और कथाएं आपको काल जाल से बचा सकती है, काल के मुख से बचाने वाली। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भाषितम। कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत गाथा एक ऐसी है जो आपको काल व्याल के मुख से बचा सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप मरेंगे नहीं, मरेंगे तो, पर जीते जी ही मुक्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जिन्हें ध्यान रखें, भगवत चर्चा भगवत कथा सुनने का जब जब मौका मिले तब तब छोड़ना नहीं चाहिए, प्रतिदिन भगवत चर्चा को श्रवण करना चाहिए। और इस संसार के मृत्यु के भय से बचाने के लिए ही परम पूज्य श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत रचना की, और सुखदेव जी महाराज ने अपनी मीठी वाणी से इसे जन जन तक पहुंचाया। सुखदेव जी हैं सुखावतार, सुकमाने होता है तोता, सुकमाने क्या होता, तोता। तोता जिस फल में अपनी चोंच लगा दे तो व्यक्ति दूर से बता देता भैया ये मीठा है, हाँ जी या ना जी, पक्का ना। उसी प्रकार भागवत में भी सुखदेव रूपी श्री परमहंस महाराज जी ने अपना मुख लगा दिया, अपने मुख से इस गाथा को गा दिया, तो अब तो संदेह की बात ही नहीं कि ये कड़वी होगी, ये तो लबालब मीठी भरी पड़ी भागवत है।